सो गई तो माइनक्राफ्ट का एक न्यू बीटा अपडेट आ चुका है। इस अपडेट का नाम है 1.18.13.28। इस वाले अपडेट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी लाइक डीप डार्क बायोम जहाँ पे वार्डन रहता है और बोथ विथ चेस्ट, बहुत सारी चीज़ें तो आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत कर देना, सब कुछ बताऊंगा इस अपडेट के बारे में। तो चलो बता दें। सो गई जो पहली चीज़ ऐड हुई वह द वार्डन का इलाका यानी कि डीप डार्क बायोम। यस फाइनली डीप डार्क बायोम ऐड हो चुका है जहाँ पे वार्डन स्पॉन होता है। लाइक अपने माइनक्राफ्ट जावा एडिशन का स्नैपशॉट में देखा होगा कि वार्डन 1.19 में डीप डार्क बायोम में स्पॉन होगा, तो कुछ ऐसा ही माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में भी ऐड हो चुका है। आप लोगों को ये -4 से भी नीचे भी आप लोग देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा होगा। ये देखो ऐसा ही कुछ डीप डार्क बायोम होंगे जहाँ पे आगे आने वाले फ्यूचर अपडेट में आप लोगों को वार्डन यहीं पे स्पॉन देखने को मिलेगा। अभी वार्डन ऐड नहीं हुआ है लेकिन आई होप सो एक दो अपडेट के बाद इसमें वार्डन ऐड हो जाएगा और आप लोगों को कुछ ऐसे देखने को मिलेगा डीप डार्क बायोम। एंड शायद आगे आने वाले अपडेट में डीप डार्क सिटी यानी कि एंशिएंट सिटी भी ऐड हो जाए, जो कि बड़ी बड़ी सिटी होती है, जो कि आप लोगों को माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के स्नैपशॉट में मैंने दिखाई दी है। ये सब आप लोगों को 1.19 के फुल अपडेट में ये सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना और इस अपडेट को आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचे हुए। आई गेस अप्रैल के मंथ में ये सब आ ही जाएगा। अभी आप लोगों को सब कुछ तो देखने को मिल ही है, बस वार्डन और एंशिएंट सिटी बाकी रह गया है। तो ये सब भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं, एक दो वीक। और जो नेक्स्ट चीज़ ऐड हुई है वो हमारा ये गोट का हॉर्न और ये कॉपर हॉर्न और ये बोट विथ चेस्ट, ये तीन चीज़ें ऐड हुई जो कि आपको इन्वेंटरी में यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये गॉड का हॉर्न अभी आप लोगों को ये फुल अपडेट में ये सब भी देखने को मिलेगा। और जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है बोट विथ चेस्ट, जो कि काफ़ी सारे बनते इसका इंतजार कर रहे थे। एंड फाइनली ये आ चुकी है जिसमें आप लोग अपने बोट के साथ कोई चेस्ट अटैच करके कहीं पे भी ले जा सकते हो और अलग अलग कलर्स में आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड इस चेस्ट को ओपन करने के लिए सिंपली आपको क्राउच होना है। क्राउच होगा तो आपको यहाँ ओपन का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे कोई सा भी आइटम को प्लेस कर सकते हो, रख सकते हो और कहीं पर भी आप ले जा सकते हो। और इसको क्राफ्ट करने में बहुत ईजी है, बस आपको एक क्राफ्टिंग टेबल, बोट और कोई सा भी चेस्ट चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर मैंने ओपन किया और यहाँ पर बोट रखा और चेस्ट रखा। एंड ये देखो बोट विथ चेस्ट हमारा यहाँ बन चुका है। तो आप लोग ऐसे कुछ इसको क्राफ्ट कर सकते हो और कहीं पे भी ले जा सकते हो, और आप चाहें तो इसको लीड से भी ले जा सकते हो। मैं आपको बता दूं कैसे, तो सिंपली यहाँ पर लीड से मैंने कुछ ग्रैब किया और ऐसे कुछ ले जा सकते हो। इसमें विलेजर को भी बैठा सकते हो और कुछ ऐसे इसको पकड़ के ले जा सकते हो, बहुत ही तरीका। तो आप लोग इसको बोट विथ चेस्ट को ईजिली यूज कर सकते हो। सो गए तो ये थे माइनक्राफ्ट के कुछ छोटे मोटे अपडेट्स जो कि आने वाले फ्यूचर अपडेट्स में बहुत जल्दी ऐड होने वाले हैं, तो वेट करना उस चीज़ के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए आ चुके हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।